कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द प्राइस ऑफ फ्रीडम, आजादी की असली कीमत एक कर्तव्यता है, एक कर्तव्य का पालन करना है। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त अविनाश कुमार। एक बार की बात है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक ट्रैफिक पुलिस रोड पे खड़ा था और बहुत ही ट्रैफिक का दिन था, तो वहां से एक कार आ रही थी और कार पे एक करीबन 18 टू 19 इयर्स का एक लड़का बैठा हुआ था, यंग मैन बैठा हुआ था। और क्या हुआ कि वो जितनी स्पीड लिमिट थी, स्पीड लिमिट से वो ज्यादा तेज चला रहा था, तो उसे क्या किया, ट्रैफिक पुलिस ने इमीडिएटली स्टॉप कर लिया। जैसे ही उसने स्टॉप किया और विंडो डाउन हुई, तो उसके बाद उसने पूछा कि क्या आप प्रॉपर एज, प्रॉपर लाइसेंस और सभी चीजों के साथ चला रहे हैं और आपकी स्पीड लिमिट जितनी डिजायर्ड लिमिट है उससे ज्यादा है, तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो उसने बोला ओके नो प्रॉब्लम, हाँ ये मेरी गलती थी, मैं फाइन पे करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसने बोला कि आप गाड़ी साइड में लगाइए, और उसने गाड़ी साइड में लगाई। उसके ट्रैफिक पुलिस ने उसे बोला कि आप अपना नाम और पता बताएं जिससे कि मैं आपका चालान फाड़ सकूं। तो उसने अपना नाम बताया और उसे अपना एड्रेस भी बताया क्यों, और उसने जैसे ही उसने अपना एड्रेस बताया, वो बताया कि मैं बकिंगम पैलेस में रहता हूं और बकिंगम पैलेस लंदन में एक बहुत ही पॉश इलाके में है। मतलब कि उस चालान काटने वाले ट्रैफिक पुलिस ने सोचा कि ये तो बहुत राज घराने से है, राज परिवार से है, बहुत बड़े फैमिली से है, पर फिर भी उसने क्या किया, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसका चालान काटा और उसके हाथ में पकड़ा दिया और उसने भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। अब इस कहानी से हमें दो इम्पोर्टेंट चीजें सीखने को मिलती है। सबसे पहली तो ये कि वो जो लड़का ड्राइव कर रहा था, उसने सबसे पहले अपने कर्तव्यों का पालन किया और उसे ये मालूम होती है कि वो कितनी बड़ी फैमिली से है, सबसे पहले उसने रूल्स, अपने नियमों को सबसे ऊपर समझा और उसने ऑफ कोर्स अपनी गलती एक्सेप्ट करके चालान फाड़ने का उसे एक्सेप्टेंस दी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक पुलिस ने ये जानते हुए भी कि वो एक बड़े राज घराने से बिलोंग करता है, बड़े राज परिवार से बिलोंग करता है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रायोरिटी रखी और उसने अपनी जॉब को ध्यान से रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए उसका फाइन काट दिया। ठीक इसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी कितनी इंपॉर्टेंट है कर्तव्यों का पालन करना, जिसे कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। सुनने में ये एक सिंपल सा वर्ड है और हम हर जगह यूज करते हैं, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे हमारे खुद के पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे हम खुद के नॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे माइंडसेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे हमारे आजू बाजू जितनी भी चीजें चल रही हैं, उन सारी के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। और यहां तक कि जो हम आज जहां पर खड़े हैं, उन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन कही कि हमेशा Responsibility is the price of freedom. हमेशा आपको अपने चाहे जिंदगी में आजादी चाहिए हो, चाहे financial freedom चाहिए हो, चाहे responsibility आपके हर केस में एक बहुत important role, बहुत crucial role play करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको responsibility का महत्व समझ में आया होगा और इस story के through आपको ये समझ में आएगा कि हालात आपके responsibility के ऊपर कुछ effect नहीं डालने चाहिए। हालात चाहे कुछ भी हो, सिचुएशंस चाहे कैसी भी हो, हमेशा वो आपके कंट्रोल में रहती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना हमेशा आपका कर्तव्य होता है। चाहे सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो जाए या कितनी भी पॉजिटिव हो, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं तो ऑफकोर्स आप एक सक्सेस के रास्ते पे एक अगला कदम बढ़ा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन समझ में आओगा और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। और एट द लास्ट, इन तीन वीडियोस को मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहने के लिए जरूर देखिएगा। और रिसेंटली मैंने ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया जिसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर भी क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अविस्पार्क्स।